हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। आपके अपने इंजीनियरिंग अड्डा में आपका स्वागत है। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आप सभी लोगों को, आप सॉफ्टवेयर को कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हो और कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, फिर वो सॉफ्टवेयर फ्री हो या फिर पेड हो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, क्या क्या किस किस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। इसी के साथ आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि मैं निशुल्क लाइव आकर के ऑनलाइन आपकी एक क्लास ले रहा हूँ। अगर आप भी कंप्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो तो उस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी चीज़ों को शेयर करना है, अपना नाम, अपनी डिटेल्स शेयर करनी है। सबसे पहले हमें अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल फाइंड करना होगा, तो विंडो बटन पर हम जा कर के फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड है प्रेस विंडो प्लस आर बटन। तो जो विंडो बटन होती है, विंडो के साथ हम आर बटन को जैसे ही यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो देखिए कि ऐसा रन बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसके अंदर टाइप करना है कंट्रोल, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर मैं कंट्रोल टाइप करूँगा और कह रहा है प्रेस एंटर और ओके, तो मैं एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ और ओके को भी प्रेस कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। अब देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल पैनल तुम्हारा ओपन होके आ गया है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हुए चलिएगा। लिखा हुआ है चेक व्यू बाय कैटेगरी। देखिए यहाँ पे चेक व्यू बाय, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये कैटेगरी मोड पे सेट रहता है, लेकिन कभी कभी हमसे जाने अनजाने में यहाँ पे क्लिक हो जाता है। टॉप पे देखिए यहाँ पे लिखा है व्यू बाय लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन, कैटेगरी। तो यहाँ से हमें क्या कर लेना है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या सेट कर लेना है, कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीनों में से कोई भी सेट हो सकता है, तो हमें कैटेगरी पे आना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए व्यू बाय कैटेगरी लिखा हुआ है, मैं एक एक चीज़ को डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसीलिए मैंने चीज़ों को रिटर्न में लिख रखा है ताकि आप कोई भी स्टेप्स को भूले नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। फिर लिखा है क्लिक ऑन द अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, यानी इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है जो कि अंडर प्रोग्राम के अंदर मिलेगा। लिखा हुआ है अंडर प्रोग्राम्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम नज़र आ रहा है, प्रोग्राम के नीचे लिखा है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ही अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे देखिए, मैंने जूम कर दिया, अभी देखिए आपको क्लियर हो रहा है, प्रोग्राम्स के नीचे लिखा है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो हमें अनइंस्टॉलेशन के लिए बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। हमारे कंप्यूटर में जितने भी रिसोर्स है, जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, वो सारी लिस्ट आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे जिसे आप चाहते हैं इंस्टॉल करना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ जाएगी, तो उस केस के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे अपना एमएस ऑफिस अनइंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। अब कह रहा है कि लेफ्ट क्लिक टू सेलेक्ट योर सॉफ्टवेयर, ठीक है, और क्लिक ऑन द अनइंस्टॉल ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन है हमारा। कह रहा है सेलेक्ट करना है, देखिए मैं जिस भी ऑप्शन पे मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे किसी पे भी आप क्लिक करो, मैं यहाँ पे एमएस ऑफिस अनइंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि एमएस ऑफिस को अनइंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहाँ पर हमें लाइसेंस की चाहिए होती है, तो इसीलिए मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा। ऊपर टॉप पर देखिए लिखा है अनइंस्टॉल, मैं लेफ्ट वाली माउस के बटन को क्लिक कर दूँगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, लेफ्ट क्लिक से माउस को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, फिर अनइंस्टॉल किया। सिक्स स्टेप है फॉलोइंग गाइडलाइंस, यहाँ पे जो भी जैसे मैं अनइंस्टॉल पे क्लिक करूँगा पूछेगा आर यू वांट टू रिमूव या रिस्टार्ट समथिंग, पूछेगा आपसे कि आर यू श्योर वांट टू अनइंस्टॉल योर प्रोग्राम, सिंपल से आपको यस कर देना है। जो भी आपको यहाँ पे गाइडलाइंस पूछेगा आपको उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। जैसे ही हमारा ये गाइडलाइंस ओके हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको सिंपल सा वो फाइल या वो टैब यहाँ पे क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर, ये हैवी सॉफ्टवेयर है, बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके अनइंस्टॉलेशन के लिए। तो देखिए अनइंस्टॉल का ये प्रोसीजर शुरू हो चुका है यहाँ पर, तो गाइस इस प्रोसेस में ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है। इसी के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं लाइव फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी रात में 9 से 10 में एक लाइव क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहता है तो आप गूगल मीट के माध्यम से आप सीख सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस वीडियो के कमेंट में आकर अपना नाम
और ये लिखना होगा कि सर मैं भी सीखना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो चुका है फाइनली, और उसके बाद मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे इंजीनियरिंग अड्डा के नाम से। आपको मेरे अकाउंट पे आकर के आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर आपको वहाँ पे शेयर करना होगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे भी देखिए हमारे पास, अब मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ विंडो बटन पे जाके सर्च करूँ तो मुझे यहाँ पे वर्ड नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हो चुका है, अनइंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो देखिए पहला ऑप्शन है सेलेक्ट सॉफ्टवेयर एंड लेफ्ट क्लिक, यानी सबके जो सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए मैंने डेस्कटॉप पे तीन सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं, टाइपिंग मास्टर, सोनमा टाइपिंग मास्टर और टर्बोसी, ठीक है। तो मैंने तीन सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, पहला ऑप्शन है कि सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। डबल क्लिक भी कर सकते हैं और राइट क्लिक पे जाने के बाद आप कहाँ जाओगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, डबल क्लिक कर सकते हो माउस का या फिर सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है जैसा कि मैंने दिखाया। अब कह रहा है अलाउ, आपसे पूछेगा कि अलाउ करना है यस, उसके बाद उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नेक्स्ट क्लिक ओके करते हुए आपको चले जाना है। तो यहाँ से देखिए मैंने ओके कर दिया, यहाँ पे इसकी गाइडलाइंस आ गई हैं। अब यहाँ पे ये इसका लाइसेंस एग्रीमेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिफ्थ स्टेप पे लिखा है चेक द सॉरी क्लिक द चेकबॉक्स फॉर लाइसेंस एंड टर्म्स कंडीशन। तो इसकी जो टर्म्स कंडीशन है यहाँ पे चेकबॉक्स की जगह रेडियो बटन आई है, बट आपको एक्सेप्ट करना है आई एग्री फॉर एग्रीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप इंस्टॉल करना चाहते हो, जो भी आपसे गाइडलाइंस पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यस यस या ओके फिल कर देना है, इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सॉफ्टवेयर फाइनली इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा समय लेगा, दो चार मिनट हो सकता है ले, लेकिन मैं थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर फाइनली इंस्टॉल हो गया है। अब मैं यहाँ से मैं फिनिश कर दूंगा या फिर ओके कर दूंगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद जैसे ही वहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, मैं क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है टाइपिंग मास्टर का नाम का, ठीक है, जिस पे हम टाइपिंग सीखते हैं, ये देखिए हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख रहा हूँ, सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क करना है। चलिए एक दो सॉफ्टवेयर मैं आपको और इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है सोनमा टाइपिंग मास्टर। देखिए सभी टाइपिंग यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, इस बार मैं रन एड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करने वाला। डबल क्लिक मैंने किया, देखिए तब भी वही ऑप्शन आया। नेक्स्ट किया, देखिए सेप का कॉन्सेप्ट, सभी सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट सेम होता है, सभी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर सेम होता है, बस कुछ स्टेप्स कम या ज़्यादा होता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, कुछ में लाइसेंस की पहले डालनी पड़ती है, तो कुछ चीज़ें होती है, बाकी प्रोसीजर सबका सेम होता है। थर्ड यहाँ पे हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस, जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करते हैं, इसको भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल करके देख लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल ये बैक में नोट्स आ गए, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद आई एक्सेप्ट करके यहाँ पे देखिए चेकबॉक्स आया, मैंने यहाँ पे क्या किया, टिक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट, और मैं वेट करूँगा इंस्टॉलेशन प्रोसेसर को कंप्लीट होने में। देखिए हमारा यहाँ जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया और फिनिश का ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ पे एंटिक करके यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या था, एकदम सिंपल सॉफ्टवेयर थे, आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि MS Office आप कैसे इंस्टॉल करोगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत बार आपके सिस्टम में MS Office अनइंस्टॉल हो जाता है या प्रॉब्लम आ जाती है, आपको समझ नहीं आता। देखिए ये हमारा सेटअप है पूरा, इस सेटअप पे मैं डबल टैप करूँगा या फिर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा, कोई भी ऑप्शन में ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डबल टैप किया। अब इस सॉफ्टवेयर में देखिए सबसे पहले डिमांड कर रहा है कि एंटर योर प्रोडक्ट की, यानी जब तक कि आप उसमें कोई की एंटर नहीं करेंगे तब तक कि आपको आगे एक्सेस या आगे आपको इंस्टॉल करने नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ पे सीरियल नंबर यानी की को मैं हाइड कर रखा हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी को भी हेल्प चाहिए एक्टिवेशन में तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपकी मदद करेंगे। यूट्यूब गाइडलाइंस के अंडर में मुझे सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे चीज़ों को हाइड करना पड़ा। यहाँ पे मैं अपनी की को यहाँ से सिंपल सा कॉपी कर लेता हूँ, जो भी आपको की नज़र आ रही हैं, और उसके बाद चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे जहाँ पर डिमांड कर रहा है एंटर योर प्रोडक्ट की। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपनी की को। अगर आपकी की सही होगी तो ग्रीन कलर का सिंबल आएगा, यानी आपकी की करेक्ट है। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू कर देंगे सिंपल सा हम यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यू, ओके, नेक्स्ट, हर किसी के सॉफ्टवेयर में अलग अलग ऑप्शंस आ सकते हैं। सिंपल से कंटिन्यू कर दिया, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन पूछ रहा है, मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। अब वेट करते हैं, एक दो मिनट लेगा ये भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में, क्योंकि ये हैवी सॉफ्टवेयर है, बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये आपका कुछ समय लेगा, दो से तीन मिनट इंस्टॉल होने में। चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आकर के आपको आपका व्हाट्सएप नंबर और आपका नाम मुझे मैसेज करना है,
ताकि आपको मैं फ्री क्लास में ऐड कर लूँ और आप भी घर बैठे ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट आप चीज़ों को सीख पाओ। ठीक है, तो अभी शाम को हमारी बेसिक क्लास चल रही है जिसके अंदर मैं ट्रिपल सी और आईटी टूल्स का जो फर्स्ट पेपर है हमारा ओ लेवल का वो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ रात में 9 से लेकर 10 बजे तक। 1 घंटे की आपकी प्रॉपर क्लास होगी, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो फ्री में सीखना चाहते हैं वो आ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है, फाइनल लास्ट स्टेज पर आ चुका है। यहाँ पर बोल रहा है कि क्लोज का ऑप्शन मांग रहा है। ठीक है, तो क्लोज़ करने का यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगा तो यानी हमारा सॉफ्टवेयर फाइनली इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पे लिखा है गो टू ऑफिस ऑनलाइन। अगर आप इसे ऑनलाइन कनेक्ट करना चाहते हो, आपके पास एक्टिवेशन की है ऑनलाइन की, तो आप इसे ऑनलाइन भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो या फिर कनेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मेरा सेटअप यहाँ पे ऑफलाइन इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।